अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहिदुल इस्लाम और आप देख रहे हैं आल टेक इन्फो। आज हम बात करेंगे नैनो स्टेशन M2 के बारे में। हम जानेंगे कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है या आपके कस्टमर के पास स्पीड स्लो होती है तो वो क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो स्पीड स्लो हो रही है। आप अपने एंड से किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी जो डिवाइस है नैनो स्टेशन है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके अब ये देखें, उसके बाद जी कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास CCQ लेवल कितना आ रहा है। ये CCQ लेवल मेरे पास बहुत डाउन आ रहा है। अब जब आपका CCQ लेवल 88 से नीचे जाएगा तो आपकी जो कस्टमर है उसके पास स्पीड जो है बहुत ही वीक हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अभी ये देखें कि मेरा CCQ लेवल मेरे जो नैनो स्टेशन M2 है इसका स्टेबल नहीं हो रहा, कभी 90 पे जा रहा है और कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर है जिसके पास क्या मसला आ रहा है। अभी यहाँ से आप इसकी आ जाएं कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये मेरा मैक एड्रेस है और ये मेरा कस्टमर है, इसके पास CCQ लेवल जो है वो क्या जा रहा है। अभी देखिए CCQ लेवल इसका डाउन जा रहा है, मतलब कि वो हमारी डिवाइस से काफ़ी दूर भी है और इसकी स्पीड जो है वो ख़राब भी है। अब ये ख़राब क्यों है, हम ये कैसे जानेंगे, ये इसकी वजहात जो फर्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके राउटर के आगे कोई जानदार दरख्त है उसकी वजह से भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है कि CCQ लेवल अप डाउन होता है। और दूसरा नंबर ये है कि जब पावर फैक्टर, जब सूरज गुरूब होता है तो पावर फैक्टर अप होता है, तो उस वजह से भी जो है ना CCQ लेवल अप डाउन होता है, प्रॉपरली होता है। तो आज मैंने जो है ना आपको इसका एक तरीका बताना है जिससे आप ये है कि इसका CCQ लेवल जो है ना कंट्रोल में 100% तो नहीं, 88% जो है ना वो आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब कि ये उम्मीद है कि जो है ना अगर आपके पास आगे दरख्त नहीं है या ऊंची इमारतें नहीं हैं तो ये कंट्रोल में हो जाएगा। तो वायरलेस में आ जाएंगे, यहाँ पे वायरलेस में आके डेटा रेट्स पे आके आपने चेक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा आपके पास, इसको आपने चेंज कर देना है और नीचे फिर आ जाना है रेट्स पे आके आपने यहाँ पे सेलेक्ट चेंज करना है, MCS चेंज करना है अपने, ये लास्ट वाला कर दें 6572। ठीक है, करके इसको हमने चेंज करना है, चेंज करके अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो जो नैनो स्टेशन है ये रिस्टार्ट होगी, तो रिस्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट कर लेते हैं। ये रिस्टार्ट हो गई है, दोबारा से इसे कनेक्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास जो CCQ लेवल है क्या है। स्टेटस पेज मेन में आ जाए, मेन में आ जाएं, ये देखें जी हमारे पास जो CCQ लेवल है वो 98 आ रहा है। ठीक है, ये क्लाइंट हमारे पास एक है, अगर हमारे पास जो क्लाइंट है अगर दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं तो ये हमारा 90, 91, 92, 94 पे ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये देखें 99 हो गया, पहले क्या आ रहा था हमारे पास। आपने इसी तरीके से इसका CCQ जो लेवल है, चाहे आप वो नैनो स्टेशन M5 है या नैनो स्टेशन M2 है, तो इसको आप
इसी तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। अब ये 88 लास्ट पे 88 85 भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम है वापस उसी टाइम में ही ये 90 प्लस करेगा। ठीक है, आप ये लाजमी करके देखें, अगर फिर भी ना हो तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो इतनी ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।